हैरानी फैल गई जब दो लोगों के मृत पड़े शरीर को खंदी में देखा गया। देखते ही देखते लोगों का हुजूम एकत्रित हो गया। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वही मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों मृतकों की पहचान कर ली है, जिसके बाद थाना पुलिस ने दोनों मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना ओंछा क्षेत्र का है, जहां पर बुधवार की सुबह शौच क्रिया करने गए लोगों ने दो युवकों के मृत पड़े शरीर को देखा, जिससे घटना की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों का हुजूम एकत्रित हो गया। बताया जा रहा है कि ओंछा जसराना रोड पर स्थित गांव बुढ़रा के समीप पुलिया के पास दो लोगों के शवों के साथ एक बाइक पड़ी थी। दोनों शवों के शरीर पर चोट के निशान थे व बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। लोगों ने अनुमान लगाया कि घटना किसी अज्ञात वाहन के टक्कर मारने से घटित हुई है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी निरीक्षक ऋषि कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों मृतकों की पहचान कर ली। बताया गया कि मृतक पप्पू व बंटू निवासी नगला कंचन थाना ओंछा जनपद मैनपुरी के हैं। दोनों लोग मंगलवार मैनपुरी दीवानी पर तारीख भुगतने गए थे, जहां से ये दोनों लोग देर रात तक घर नहीं पहुंचे। सुबह जब लोगों ने देखा तो सड़क किनारे नाली में दोनों के शव पड़े हुए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दादा आपका नाम क्या है? देवराज। कहाँ रहते हैं? कंजनरा। ये एक्सीडेंट हुआ है, ये कब हुआ है और आप लोगों को कब जानकारी हुई? इनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये पप्पू और बंटू नाम है इनका। कहाँ के रहने वाले हैं ये? नवला कंचन के रहने वाले हैं। ये कहाँ से आ रहे थे? ये मामला कब का है? ये आ तो रहे थे पीछे तारीख करके मैनपुरी से, ओंछा से ये दूसरी गाड़ी एक मोटरसाइकिल पर, पहले तीन थे वो हमारे साथ ही थे, उसके बाद में दूसरी मोटरसाइकिल पर बंटू की मोटरसाइकिल पर ये बैठे हैं, ये लोग पीछे रह गए, हम आगे बढ़ गए, इतना ही फर्क पड़ा है, हमने फिर मुड़ के पीछे नहीं देख पाया। किसी अज्ञात वाहन से इनका एक्सीडेंट हुआ है? हाँ जी। अरे किसी वाहन से, अज्ञात वाहन से? आप बताएं। संदीप आपको जानकारी हुई कि हमारे परिवार के, हमारे गांव के लोग एक्सीडेंट से खत्म हुए हैं, तो क्या आप लोगों को कब जानकारी हुई, क्या नाम था इनका और कैसे हुआ, कहां से आ रहे थे ये लोग? देखिए सर, मैनपुरी ये तारीख करके आ रहे थे। उनका नाम क्या था? पप्पू उर्फ रामदास। तो ये लोग आ रहे थे और दो लोग थे और बंटू थे, ये ओंछा मिले दोनों लोग, फिर ओंछा से घर जा रहे थे, ये घर से वापस होके ओंछा के लिए आए, ये लोग ओंछा के लिए आए, फिर उसके बाद ये घर नहीं पहुंचे हैं। फिर हम लोगों ने फ़ोन लगाया, फ़ोन भी नहीं उठाया, फिर फ़ोन उठाने के बाद हम लोगों ने देखने भी आए हैं 8 से 9 के बीच, तो ये भी नहीं दिखाई दिए। फिर हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, फिर तत्कालीन सुबह आए हैं हमारे गांव के लोग और उन्होंने बताया कि इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी मौत हो गई है, तो हम लोग आए हैं, हम लोगों को जानकारी मिली तब घर से हम लोग आए थे, तो ये लोगों की मौत हो चुकी थी। किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, अज्ञात वाहन से ही एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, पुलिस मौके पर पहुंच गई? हाँ, पुलिस मौके पर थी और पुलिस कार्रवाई कर रही है, और पुलिस वाले ही वहाँ से लेकर आए हैं और पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी भेज दिया है। यहाँ पर भी तहरीर वगैरह लिख ली है और आगे के लिए उन्होंने बोला है जो भी कार्रवाई होगी हम उचित करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? उदय साग। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम पोस्ट नगला कंचन। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.